गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज होगी नई सुबह और आज हम और बिट्टू निकले हैं टहलने के लिए। पीछे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप सन्नाटा क्यों है, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो अभी हम लोग सुबह सुबह निकले हैं और मेरे भाई के हाथ देख लीजिए क्या है, दिखाना जरा क्या दिखाना तो जरा। ये देखिए बोतल लेके ये चल रहा है, इतनी भारी बोतल है तो दिख गया। और अभी हम लोग निकले हैं दौड़ने के लिए, सोचे कि दौड़ेंगे। तो भाई बोतल ले लोगे इतनी भारी, तो दौड़ो कैसे बताना जरा, जवाब मांगती है जनता। हैवी वेट लेके दौड़ो को ज़्यादा फायदा करेगा। अच्छा, हैवी वेट लेके हाथ में, हाँ ये अलग लॉजिक है। ऐसे जवान नहीं बंदूक लेके दौड़ते हैं। हाँ, कोई सेंस है इस बात की? अच्छा अच्छा, चलो सही है, देखा जाएगा। तो कोई बात नहीं, इनका अलग लॉजिक चल रहा है। इन्होंने नई नई बोतल बोतल ली है तो आज जोश में है। देखते हैं कि कल आ पाते हैं कि नहीं बोतल लेके, या खुद आ पाते हैं कि नहीं। पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है, अभी कथा वथा पढ़ी जाएगी। ठीक है, साड़ी चढ़ाई है। अच्छा, साड़ी चढ़ाई है मम्मी, अभी कथा वथा होगी। और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मम्मी का रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा, ये देखा ठीक है। कभी मेरी मम्मी सीधा नहीं लगाती, हमेशा टेढ़ा लगाती है। चलिए दिखाते हैं मम्मी से, तुम्हें सीधा क्यों नहीं लगा पाती, हमेशा टेढ़ा लगा देती है जब देखो तब। नहीं रहने दीजिए, ठीक है क्या, टीका बदलेंगे। मम्मी ने कहा टीका तुम्हारा फिर से सही कर देते हैं, ये देखिए क्या सही किया है, नाक पे लगाया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, ये होता है टीका। वाह, असली नवरात्रि चल रही मेरी। तो अभी आ गए हम लोग चंडिका मंदिर, हम लोग घर के पास ही है। मम्मी ले रही फूल, ये है चंडिका देवी मंदिर दिल्ली में। चलिए तो चलते हैं अब अंदर। ये है मंदिर सामने, मम्मी जा रही आगे आगे, ये मैंने भी ले लिया है, चप्पल निकाल दी यहीं पे ना। ये है यहाँ की माता जी, माता जी दिखा रहा आगे। गणेश जी हैं, साई बाबा, मम्मी अब जा रही गणेश जी के पास, अब हैं साई बाबा, और उधर हो रही पूजा जो हम लोगों ने किया था। इधर हो रहा हवन, बस लोग अभी आ रहे हैं। और चलते हैं, यह है शंकर जी का शिवलिंग। ये आ गए हनुमान जी, मम्मी वहाँ कर रही पूजा शिवलिंग के, शंकर जी के। ये है राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। तो हम लोग अभी आ गए घर, पूजा भी हो गई बढ़िया से, दर्शन हो गए माता की। और ये है सिंघाड़े के, सिंघाड़े क्या क्या सिंघाड़े के आटे का हलवा, भूल सिंघाड़े के आटे का हलवा व्रत में खाया जाता है बढ़िया, तो अब खाते हैं। और ये है मम्मी, क्या मम्मी मम्मी चाय बनाने जा रही, चाय पी सुबह से, हम तो पी रहे थोड़ा, और बस हो गया। रिद्धि की गाड़ी चलाने की स्किल्स देखिए, ये देखिए, मतलब दिया गया है कि लोग गाड़ी चलाओ खेलो, लेकिन नहीं। क्या लोग रिद्धि, ओह आ गया, मिल गया क्या क्या, अच्छा अच्छा खोल दे, खोल दे, नमकीन नमकीन खाओगी रिद्धि, अरे बोलो भाई, ये कौन है रिद्धि, कौन है रिद्धि, ये कौन है, हाँ चोट लगी है, दिखा दो रिद्धि कहाँ चोट लगी है, यहाँ चोट लग गई, ये कैसे लगी, कैसे लगी, गिर गई थी वहां पे, अच्छा ये कौन है ये है रमदाना,
हल्का सा होता है, दूध में खाया जाता है डाल के, व्रत व्रत में खाया जाता है। किस चीज से बनता है? अरे मतलब किस चीज से बनता? नहीं, गेहूं आटा चावल फलाहारी है रमदाना। कौन जो जो खाता है कमेंट करे, तो अपने हिसाब से ले लेते हैं। बहुत हल्का होता है एकदम, बहुत ही हल्का। क्या होता है, कितना हल्का होता है। खाइए आराम से, मजे करिए त्यौहार में। त्यौहार में कह रहे हैं, हाँ व्रत है, व्रत भी एक तरह का त्यौहार ही है अगर आप मन से रखें तो। और ये देखिए एक चीज़ और, नमकीन के डिब्बे में, मैंने कहा था ना हम लोग यहाँ डिब्बा वेस्ट नहीं होता, नमकीन के डिब्बे में रमदान है। आ गया जरा मम्मी के साथ पांडाल में। ये रही मम्मी, ज़्यादा भीड़ नहीं यहाँ पे। देख ली मम्मी, अब आ गए हम लोग दूसरे पांडाल में। यहाँ पे देख लेते हैं, पांडाल में ज़्यादा कुछ मिला नहीं था। मम्मी ले रही नारियल, यही मंदिर के सामने। तो अभी हम लोग पांडाल से आ गए, हम और मम्मी, और मैंने नहा वाली फ्रेश हो गया हूँ। तो एक्चुअली ज़्यादा पांडाल में कुछ दिखाने को था नहीं। यहाँ पे मेरी तरफ को ज़्यादा अच्छा मतलब बना दिया, उतना खास ऐसा पहले लगता था हादसा, तो इसलिए उतना मैं बना नहीं पाया इस बार। अगले साल हो सकता है ज़्यादा अच्छा हो तो मैं अगले साल बना लूँगा। साइलेंट करना ज़रा, साइलेंट साइलेंट। और एक बार और कुछ नहीं आपसे, एक्चुअली मुझे ये बहुत टाइम सोच रहा था कि मैं अपने चेहरा का नाम कोई बदल लूँ। तो अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं चेहरा का नाम और क्या रख सकता हूँ बदल के। या अगर वही सही है, यही सही है, तो फिर यही मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। तो आप लोग मैं कमेंट करके बताइए क्या कर सकता हूँ मैं, बदलना चाहिए या नहीं, या बदलूँ तो मैं फिर क्या रखूँ। और टाइमिंग जैसे मैं सुबह 9 से 9 बजे आ जाता है मेरा, करेक्ट सुबह 9 बजे। भाई एक मिनट रुके हो रहा यार, सुबह तो अलग ही खुली मची है। देख रहे ब्लॉग बना रहे क्यों? तो ब्लॉग 9 बजे आता है, अगर उसमें भी मैं सोच रहा टाइम चेंज कर दूँ तो वो सही रहेगा कि नहीं? ये दो चीज़ें मुझे कन्फ्यूज़न है, एक तो नाम बदलना चैनल का और टाइमिंग। तो ये दोनों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर हो सके तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँ कि आगे किस हिसाब से मुझे बढ़ना है।